तो इंडिया बनेगा डिजिटल में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रुपी रेडी ऐप्स के बारे में। अगर आप रुपी रेडी ऐप्स के बारे में जानते हो, अगर आप उनकी पेमेंट से परेशान हो, पेनल्टी से परेशान हो, ओवर ड्यू अमाउंट से परेशान हो, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए लोन ऐप्स के रिगार्डिंग, कोई भी लोन ऐप्स अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई इशूज़ है, तो उसका कमेंट में ज़रूर हमें नाम बताएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रुपी रेडी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो रुपी रेडी ऐप्स है, जो कि फिन फ्रेंड्स नाम के NBFC से रजिस्टर्ड है, तो ये जो ऐप्स है उसके जो इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, प्लेटफॉर्म चार्जेस होते हैं, वो वन ऑफ द हाई होते हैं। मतलब पूरी प्ले स्टोर में सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। और मतलब कब एक ठीक 1 महीने अगर आप ओवर ड्यू और ज़्यादा हो जाता है, तो आपका जो लोन अमाउंट हो जाता है वो डबल से ट्रिपल हो जाता है। और ऐसा ही केस हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ, जिसका हम प्रूफ आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। और इसने कैसे अपने 19,700 समथिंग का लोन जो है वो 2,140 रुपये में क्लियर करवाया, क्लोज करवाया अपना लोन, वो भी 7 दिन के अंदर। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और उसका जो ओवर ड्यू अमाउंट, ओवर ड्यू टाइम था दोस्तों, वो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का था, 1 साल 3 महीने का से ज़्यादा का था। मतलब 1 साल 3 महीने के बाद उसने अपने 19,700 रुपये को दिए, सिर्फ 2,000 रुपये दिए। मतलब अराउंड, मतलब आप समझ सकते हो, एक परसेंटेज निकाल सकते हो कितना ज़्यादा, तकरीबन 90%, 10% अमाउंट उसने अपना लोन क्लोज करवाया है दोस्तों। तो ये कैसे करवाया इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखते रहिए, एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिए। तो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो है तकरीबन दिसंबर में लोन ही लिया था रैपिड रुपी रेडी से, ठीक है। तो लोन लिया था, कितना लोन लिया था, 9,000 तकरीबन 7,500 रुपये का अप्लाई करा था, और जिसमें उसके अकाउंट में आए थे 665 रुपये आए थे, 1,000 इनका प्लेटफॉर्म चार्ज कट जाता है समथिंग समथिंग। और उसको जो रिपेमेंट करनी थी, 1 महीने का उसने टाइम लिया था, उसको रिपेमेंट करनी थी 9,000 रुपये, ठीक है, 9,700 रुपये कुछ रिपेमेंट उसकी करनी थी। लेकिन उस टाइम पे कोरोना के कारण या फिर उसके फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने के कारण वो लोन अपना रिपे नहीं कर पाया, लोन रिपे नहीं कर पाया। तो उसका 1 महीने बाद जो लोन हो गया वो हो गया 16-15 हज़ार हो गया। फिर लगभग लगभग उसका जो लोन है वो बढ़ता गया, तकरीबन 19,000 तक हुआ। और 19,000 के बाद बढ़ना बंद हो गया उनका लोन, ठीक है, उन्होंने शायद बढ़ाना बंद कर दिया। अगर इस तरह बढ़ाते रहते, हर महीने डबल करते रहते, तो आज उसका 1 लाख ऊपर हो जाता। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा 19,000 उसका हुआ, मैं आपको प्रूफ के साथ अभी वीडियो में दिखाऊँगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दूँ कि उसके पास वो अपने नंबर वाला बंद कर लेता है, या फिर उसका नंबर बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसके 2 से 3 महीने नंबर बंद हो जाता है, और मतलब 3 महीने बिल्कुल उसका कांटेक्ट नहीं होता उन ऐप्स से, और ना ही उनके कांटेक्ट्स में कॉल जाता है, या फिर उसने कांटेक्ट नंबर ही ऐसा दिया होता कि कॉल भी नहीं, ना ही गया है। वैसे किसी भी रेफरेंस में उसने बताया कि मेरा कॉल नहीं गया है, और जाता भी है तो मैंने ऐसा सेलेक्ट करा था जिसमें मेरे पास ही आए, और कांटेक्ट में उन्होंने कॉल नहीं करा है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको। उसके बाद क्या हुआ कि 3 महीने बाद से उसको 3 महीने तक जब उसने लोन पेमेंट नहीं करा, तो उसके पास मेल आए पहले 1 महीने जब पेमेंट अमाउंट था उसके, 1 महीने तक मेल आए कि आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी, अभी पेमेंट कर दो, अभी ऑफ़र है, अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा, वो भी कम इंटरेस्ट पर मिल जाएगा। 3 महीने तक वो पूरा कट आउट रहा, ठीक है, पूरे तरीके से कट ऑफ रहा। जब लोन ऐप्स को लगने लगा कि अब हमारा लोन वसूल नहीं होगा, तो उसके बाद उसको यहाँ पे ऑफ़र आने लगा। पहले ऑफ़र आया कि 9,000 पे कर दो, आपका लोन क्लोज़ हो जाएगा। फिर उसने नहीं करा 1 महीने बाद, 1 महीने तक नहीं करा, डेली आता था वो लोन ऑफ़र, इतना पे कर दो। फिर उसके बाद उसके पास ऑफ़र आया 5,000 दे दो, उसमें क्लोज़ करा लो, तो उसने भी नहीं कराया, बिकॉज उसके पास लॉकडाउन लग चुका था उस टाइम पर। और ऐसा टाइम बढ़ता गया, 2021 आ गया, फिर उसके पास फिर से इसी तरह आता है मैसेज। और जहाँ पे आता है उसके पास, जब उसके पास पैसे होते हैं, फाइनली जब उसके पास पैसे आते हैं, तो उनका जो लोन क्लोज़ करने का जो ऑफ़र होता है वो होता है 2,140 रुपये होता है, जो कि बहुत ही कम है। आप सब पूछते रहते थे, टेंस रहते थे कि यार हम रैपिड रुपी का क्या, रुपी रेडी का क्या करें। तो पहले आप पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद ही कुछ कंक्लूजन निकालना, बिकॉज़ अभी मैं कुछ आपको चीज़ें और बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो उसने फिर 2,140 रुपये में उस लोन को यहाँ पर पूरी तरीके से क्लोज़ करवा लिया, 2,140 रुपये में जो है वो लोन क्लोज़ करवा लिया उसने। अब ये इसका जो लोन है वो क्लोज़ हो चुका है, एक तरीके से लोन पूरा सेटल्ड हुआ है, ठीक है। तो एक लोन जो है पूरा सेटल्ड हुआ है उसका, ठीक है। और लेकिन ये है कि उसको जो 19,000 रुपये देने थे उसमें सिर्फ 2,000 में सेटल किया है। अब ऐसा आप ये मत समझना कि लोन आपका पूरी, मतलब आपने पूरा लोन का पेमेंट करा है, आपका लोन में थोड़ा सिविल ख़राब नहीं हुआ। देखो यार, सिविल इम्पैक्ट पड़ता है जब आप किसी बहुत ज़्यादा अमाउंट को, अगर आप 1 लाख का लोन 1,000 रुपये में ख़त्म करवाओगे ना, तो सिविल में इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये है कि आपकी जो अभी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है, उसके
लिए आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर है, ठीक है। उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा करा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी भी लोन सेटल कराते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कभी आपको लोन नहीं मिलेगा। लोन मिलेगा, भले आपको थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, भले आपको थोड़ा सा प्राइवेट बैंक से लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट आपको शायद मतलब कम देगी, लेकिन ये छोटा मोटा में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता, फिर कल के दिन आप बोलने लगो कि हमारा सिविल ख़राब हो गया, ठीक है। तो मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ, लेकिन ये जो प्रेशर होता था कि इसको 19,000 पे करना है, लीगल एक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है उसके साथ। तो अभी उसका पूरा क्लोज हो चुका है लोन, और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि जब वो आप उसका पेमेंट कर दोगे, जैसे 2,000 उसने करा, उसके 7 दिन के अंदर उसका लोन क्लोज हो गया। तो आप पेमेंट करने के बाद 1-2 दिन से आप ये मत समझने लगना क्लोज़ हो जाएगा, उसको 7 दिन का टाइम लगा था, उसके बाद उसका क्लोज़ भी हो गया। अभी वो पूरा उसका मैटर जो है वहाँ पे क्लोज़ हो चुका है, तो उसने लोन जो है सेटल करा दिया है पूरे तरीके से, ठीक है। और बहुत लोगों का नहीं करता सिविल में भी सो, लेकिन बहुत लोगों का करता है। तो यार सिविल का भी जो मैटर है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि आपको करना है तो भाई करो, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, अगर आप सेटल कराते हो तो आप प्राइवेट बैंक्स के पास आपको जाना पड़ेगा, दैट्स इट, इतना ही होगा। तो बाकी फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत अनस्टेबल है यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है लोग, तो ये सब करना पड़ जाता है उनको, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रूफ से, ठीक है, प्रूफ्स दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो, उसने अपना नाम बताने के लिए मना करा, इसलिए मैं उसका नाम मेंशन नहीं कर रहा। तो उसने देखो यहाँ पे डेट क्या मेंशन करी है, 12-23 तारीख 12वां महीना 2019, ठीक है। ये 2019 का लोन था, और आपको दिखाना चाहूँगा उसके अकाउंट में क्रेडिट जो हुए थे, वो हुए थे 6,501 रुपये इसके अकाउंट में क्रेडिट हुए थे। और मैं बता दूँ आपको, ये उसको पेमेंट जो करना था वो आप करना था 22 जनवरी 2020 को, लेकिन आज का अगर आप डेट देखोगे तो आज 2021 चल रहा है, और बीच में हालांकि बहुत पेंडेमिक की ऐसी सिचुएशन थी जो कि अभी तक लोग उससे उभर नहीं पाए हैं, तो एक कंडीशन इनकी ये भी थी, पेंडेमिक भी थी। अब देखो इन्होंने पेमेंट कब करा, इन्होंने पेमेंट करा 31 मार्च 2021 को, ठीक, 1 साल और कुछ महीने के बाद उन्होंने पेमेंट करा। और जो पेमेंट उन्होंने जो करा है वो उनके मेल आईडी से करा है। आपको ऐसा ऑप्शन ऐप्स के अंदर नहीं दिखेगा, ये कंपनी मेल करती है लोगों को, और कंपनी नहीं मेल करेगी, इनकी NBFC मेल करेगी, जिसे फिन फ्रेंड नाम से उनका मेल आता है, उसके बाद आपको मेल आएगा। और लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल ऑफ़र एक बार आएगा, हर दिन आएगा, हर हफ्ते आएगा आपको मेल ऑफ़र, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ऑफ़र तभी आता है जब 1 से 2 महीने 3 महीने का डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उसके बाद ही जब कंपनी को लगता है उनका पैसा वसूल नहीं होगा, उसके बाद ऐसे यहाँ पर मेल करते हैं। तो ये 31 मार्च का है, जिसमें उनको 2,114 रुपीज़ यहाँ पर उन्होंने पेड करा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई, तो जो उनको पे करना था देख सकते हो 19,705 रुपये था, ठीक है। लेकिन उन्होंने पे कितना करा था आप देख सकते हो, 2,441 रुपये, जो कि अपडेट हो चुका था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लीज़ नोट इफ़ यू मेड द पेमेंट फॉर सेटलमेंट, ठीक है, अवेल्ड वेबर, इट विल टेक 7 डेज़ फॉर द सेम अपडेटेड एंड इशू ऑफ अ लोन क्लोजर, ठीक है। तो उनको 7 दिन का टाइम लगता है अगर आप ऐसा यहाँ पे करते हो। लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं, आपका जो सिविल का इश्यूज आ सकता है, आपका सिविल यहाँ पे डाउन हो सकता है लोन सेटल कराने में, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अमाउंट का बेनिफिट मिल जाता है, अमाउंट कम पे करना पड़ता है, और फ्यूचर में आपको बड़ी बैंक से कम इंटरेस्ट पे हो सकता है लोन लेने में दिक्कत हो जाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं NBFC से हाई इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, कोई भी इश्यूज हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं, और कोई भी ऐप्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट कर दीजिए, उस पर अगला वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस हम अपने चैनल में अपडेट कर देंगे। आपका सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ में जो बेल आइकन का बटन उसे प्रेस कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। डेट ऑफ बर्थ, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया हूँ। और जेंडर सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे अपना स्टेटस सेलेक्ट कर लो, सिंगल हो या मैरिड हो, और क्या करते हो वो सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं सेल्फ प्रोफेशनल हूँ तो प्रोफेशनल यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन कर सकते हो। इनकम कितनी है, तो 1 से 5 लाख के बीच में है, तो हम ये कर लेते हैं। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए 1 साल डाल देते हैं। अपनी मम्मी का नाम डालना है यहाँ पे KYC करने के लिए आपको, तो मैं अपना मम्मी का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके नीचे फादर का नेम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे नेम जल्दी से डाल लेते हैं, ठीक है। तो मदर का नेम डाल लिया हमने, और हम यहाँ पे अब फादर का नेम डाल लेते हैं। दोस्तों गारंटेड मिलता है यार, हमें मिला इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है।
और अभी मैं प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। देखो तो पूछा क्या अभी नॉमिनी बनाना चाहते हो, तो मैं अभी नॉमिनी नहीं बनाना चाहता, बाद में बना लूँगा। अगर आप नॉमिनी में बनाओगे तो यस कर लेना, किसको रखना चाहते हो ठीक है नॉमिनी में, मदर को रखना चाहते हो मदर का नेम डाल दो, लेकिन अभी मैं नहीं बना रहा ठीक है, मैं अभी नो कर देता हूँ बिकॉज मैं बाद में बनाऊँगा। अब यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट किस में है, तो कोटक में है, तो मैं कोटक सेलेक्ट कर लूँगा, उसी में पैसा आएगा आपका, उसी से आप डाल सकते हो उसमें पैसा ठीक है। अपना यहाँ पे कोटक सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रांच कोड डालना पड़ेगा ठीक है, ब्रांच आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रांच आईएफएससी कोड अपना यहाँ पे डाल लेता हूँ, ब्रांच है ना आईएफएससी कोड जो होता है उसको डाल दिया तो मेरा यहाँ पे डिडक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालूँगा जिस अकाउंट में यहाँ पे मेरे पैसे आने वाले हैं ठीक है। तो सबसे पहले बैंक नेम डाला, फिर आईएफएससी कोड डाला, फिर यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर डाल दिया। तो अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक रुपये भेजेगा ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई करे, तो एक रुपये आएगा आपके अकाउंट में ताकि उसमें देखो यहाँ पे आ चुका है आईएमपीएस दिखा रहा है, ये एक रुपये आ चुका है ताकि यहाँ पे वेरीफाई कर ले ठीक है। अब यहाँ पे आपकी फ़ोटो मांगेगा तो आपको यहाँ पे वाइल यूजिंग कर लेना है और यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो ले लेना है। तो मैं अभी अंदर हूँ, मैं बाहर जाके सेल्फी कैमरे से फ़ोटो ले लेता हूँ ठीक है। तो मैं बाहर आ गया हूँ और इसमें चश्मा इसमें नहीं लगाना चाहिए आपका, और हमने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर लिया, ये हमने फ़ोटो क्लिक कर लिया। इसके बाद आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पे सिंपल सा सिग्नेचर है, मतलब आपको मोबाइल में ही कर देना है ठीक है। देखो मोबाइल में ऐसा ओपन होगा और अपने हाथ से मोबाइल पर रगड़ देना है अपना सिग्नेचर ठीक है। मतलब अब इसमें ये नहीं है आपको कि फ़ोटो खींच के अपलोड करना है, जैसे आप स्टॉक में था फ़ोटो खींच के अपलोड करना था बहुत, इसमें हाथ से ही आपको यहाँ पर कर देना है सिग्नेचर ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पे चले जाना है ठीक है। तो जब आप सेव पे जाओ, सेव करोगे इसको, तो लास्ट स्टेप है आपका, लास्ट स्टेप है ये ठीक है, और बहुत इजी है, लास्ट स्टेप है और जल्दी प्रोसेस हो जाती है। ई साइन कर लेना, और ई साइन करने पे आपको एक विंडो ऐसा ओपन होगा, यस कर देना है। विंडो ओपन होने के बाद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ गया आपका, और इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा क्लिक करना है, फिर उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है, और फाइनल स्टेप ये है कि आधार नंबर पे ओटीपी आएगा और ओटीपी को यहाँ पे गेट ओटीपी कर देना है, जो ओटीपी आए वहाँ पर यहाँ पे डाल देना है, और फिर इसके बाद आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। जैसे कि मैं जो है ये ओटीपी आ चुका है, अब इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इस ओटीपी को डालने के बाद ये ओटीपी आ चुका है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, वेरीफाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया है, देखो ये साइन हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट, हमारा अकाउंट बन चुका है। ये देखो कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आने लगा, अब मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग भी कर सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मेरे को कितना मिला है और रेफ़र करने पे, और मैंने कैसे विदड्रावल ले लिया है ठीक है। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था विदड्रावल ले लिया, लेकिन मैं आपको दिखाता दोस्तों हम यहाँ पे ऐप्स में आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस बता रहा है 300, और ये पूरा रेफर से आया, और यहाँ पे मैंने 100 रुपये विदड्रावल भी ले लिया है ठीक है। तो अगर मैं आपको क्लिक करूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैं अभी 300 रुपये निकाल भी सकता हूँ, हालांकि ऑलरेडी मैंने एक बार यहाँ पे ले भी लिया है, कल की वीडियो मैंने बताया था 100 रुपये मैंने ले लिया है ठीक है। आपको जगह अगर निकालना है तो यहाँ पे विदड्रॉल पे क्लिक करना है, और आप ये विदड्रॉल ऑल कर सकते हो, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ। यहाँ पे 300 रुपये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके अकाउंट में अभी, मतलब आप किस में आ जाएगा वॉलेट में जिससे आप अकाउंट में ले सकते हो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको रेफर करना है, एक साइड में आइकन दिख रहा है इनवाइट एंड अर्न का, साइड में ये देखो एक कॉर्नर में दिख रहा है ना, यहाँ पे ब्लू कलर का एक बॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है राइट साइड में। इतने लोगों को अभी इतने लोगों ने अभी मेरे लिंक से क्या करा था, मतलब ओपन करा था ऐप्स को, लेकिन अभी पूरा तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं करा है ठीक है, और इन दो लोगों ने कर लिया। ये देखो 100 रुपीज़ मिल गया है, और ये 100 रुपीज़ मेरे को मिला है जब मैंने किसी दूसरे के लिंक से किया था, उस वजह से सुमित जायसवाल भाई का वीडियो देखा था मैंने, उनके लिंक से क्लिक किया था, तो उनको 100 रुपीज़ मिला है और मेरे को भी मिला है। आप इसी तरह आपको भी मिलेगा और मेरे को भी मिलेगा, मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो अभी जाइए, और मैंने बता दिया आपको पूरी प्रोसेस कैसे करनी है, साइनअप करिए और अर्न करिए, और इन्वेस्ट भी यहाँ पे अब कर सकते हो। इन्वेस्ट के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, और बहुत इजी है। देखो यार इतना आपको इजी दिख रहा है, कितने % बड़ा स्टॉक्स की न्यूज़ भी है, और टॉप गेनर भी दिखेगा आपको, टॉप लूज़र भी दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स भी दिखेंगे जो कि अच्छा है म्यूचुअल फंड्स में भी ठीक है, और गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सब में इन्वेस्ट कर सकते हो यार। अर्न करो, इस तरह इन्वेस्ट करो, जो भी है यूज़ करो यार, और इसमें अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं कि 100 रुपये का आप एक को कर सकते हो, दो कर सकते हो, अनलिमिटेड कर सकते हो, चाहे उतने रेफर कर सकते हो, तो करो।